एक अहम खबर, आज तीसरे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी शाम करीब 6 बजे सम्मिलित होने वाले हैं। जानकारी ये है कि ये कॉन्क्लेव का तीसरा एडिशन है कौटिल्य का और कार्यक्रम में दुनिया भर से करीब 150 नेशनल और इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट और पॉलिसी मेकर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दरअसल कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि कौटिल्य कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीतारमन कहती है कि भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कि कैसे भारत निरंतर आगे बढ़ता रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होगी मिर्जापुर की, जहां पर बेकाबू ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी और इसी हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। 3 की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में। हादसा करीबन रात 1 बजे का है। प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर कछुआ के पास का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है, जब ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोग भदोही से वाराणसी की ओर जा रहे थे। ट्रक की स्पीड इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर पर यहाँ पर जो ट्रॉली और इनकी टक्कर थी आपस में हो जाती है और उसके बाद में ट्रॉली से उछलकर जो लोग थे वो 15 फीट दूर सड़क पर जा गिरते हैं और इसमें लोगों की जान जाती है और 3 लोगों की हालत गंभीर है। वही अमेठी हत्याकांड में चौंकाने वाली बात सामने अब आई है। रायबरेली के चंदन वर्मा ने ही टीचर के पूरे परिवार की हत्या की। सूत्रों के मुताबिक उसका टीचर ही पत्नी से के साथ अफेयर था और दोनों की वीडियो कॉल पर बात भी होती थी। वारदात से पहले चंदन वर्मा ने व्हाट्सएप के बायो में लिखा था 5 लोग मरने वाले हैं। चंदन वर्मा ने गुरुवार शाम घर में घुस करके वारदात को अंजाम दिया। प्रेम प्रसंग के पूरे मामले में एक परिवार की बलि दे दी गई। अमेठी हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, ये घटना घोर निंदनीय है और अक्षम्य है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अब इस पूरी घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती का भी बयान सामने आया है। बीएसपी चीफ अमेठी की घटना पर चिंता उन्होंने जाहिर की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी हैं। प्रदेश में कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 90 सीटों पर 1031 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो इसके लिए जरूरत के हिसाब से हरियाणा पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के इंतजाम भी किए गए हैं। पोलिंग पार्टियां भी संबंधित बूथों पर पहुंच रही हैं। हरियाणा के कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो 2,03,54,000 से ज्यादा वोटर्स। 5 तारीख को हमारी पोलिंग है स्टेट के अंदर और इसके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हमारा एम इस बार भी यही है कि हमें बिल्कुल 100% सही तरीके से पोलिंग करानी है ताकि कहीं भी कोई रिपोल की आवश्यकता ना पड़े, कोई वायलेंट इंसिडेंट ना हो। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र SIT का गठन कर दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की विशेष जांच टीम नहीं करेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इसे लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि स्वतंत्र SIT में CBI के 2 अधिकारी, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के 1 अधिकारी को शामिल होना होगा। जांच की निगरानी CBI के डायरेक्टर करेंगे, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए। कोर्ट ने जो है आज जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है बनाई है, जिसमें 2 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट, 2 लोग CBI से, 2 लोग स्टेट पुलिस से और 1 फूड सेफ्टी अथॉरिटी से जो है अपॉइंट करके 5 मेंबर्स की एक जो है SIT, इंडिपेंडेंट SIT जो है कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जो बाकी आगे की जो है कार्रवाई को जो है और जाँच को देखेगी और इसको इस कमेटी को बनाने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिटीशन को डिस्पोज ऑफ। सोमनाथ मंदिर के पास अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई तो संबंधित अधिकारी को जेल भेज दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि अगर बुलडोजर एक्शन गलत पाया जाता तो सरकार को उसे दोबारा बनवाकर देना होगा। मामला है गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ। यहां पर मंदिर के आसपास कथित अवैध निर्माण पर हाल ही में एक बुलडोजर का एक्शन हुआ था, जिस पर कोर्ट की ओर से कहा गया। 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वो सीएम के तौर पर मिलने वाली सुविधाएं को छोड़ देंगे और इसके तहत उन्होंने अपना सीएम आवास भी छोड़ दिया है और नए बंगले में वो शिफ्ट हो गए। उनका नया घर फिरोजशाह रोड पर स्थित है। वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुए। सरकारी घर के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकारी गाड़ी को भी छोड़ दिया। भारत और अमेरिका के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसके तहत भारत के मंत्रालय और अमेरिकी सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति श्रृंखलाओं को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी और कहा, भारत और अमेरिका ने आपूर्ति सीरीज को खुला रखने के लिए बढ़ावा दिया है। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अहम खनिजों से जुड़े MOU साइन किए गए हैं। Commercial dialogue this morning where we executed the MOU on critical minerals to keep the supply chains open and for greater engagement between the Ministry of Mines in India and the US government. उत्तराखंड में साइबर हमले ने पूरे IT सिस्टम को ठप कर दिया है, जिससे सरकारी कामकाज पर प्रभाव पड़ा। इस हमले के चलते प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइट्स और सेवाएं पूरी तरीके से बंद हो गई, जिसमें CM हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल हैं। यह हमला इतना खतरनाक था कि राज्य के सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर और सिक्योर इंटरनेट सर्विस UK Swan भी इसकी चपेट में आया। एक के बाद एक सरकारी वेबसाइट्स बंद होती चली गई, जिसमें CM हेल्पलाइन जैसी 800 से ज्यादा सेवाएं देने वाली वेबसाइट शामिल थी। जनता की शिकायतें दर्ज करने के लिए बनाई गई CM हेल्पलाइन को भी दिन भर ठप इस वजह से रही है और इस साइबर हमले के चलते प्रदेश में 90 से ज्यादा वेबसाइट्स पूरी तरीके से बंद हुई। साइबर अटैक नहीं है, पहले मैं बहुत लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हम लोग जनरली ऑन अ नॉन वर्किंग डे हमारे सिस्टम्स की स्कैनिंग होती है। उस स्कैन में हमने एक वायरस पाया अपने डेटा सेंटर के। हम लोग पूरी मशीन की स्कैनिंग करते हैं, वायरस पाने के बाद जब हमने देखा वायरस है तो हमने अपने पूरे डेटा सेंटर को डाउन कर दिया है। तो हमारी जितने भी विभागों की एप्लीकेशन उस पर होस्टेड होती है, इसलिए वो नहीं चल रही है, क्योंकि एज अ प्रिकॉशन हमने अपना पूरा डेटा सेंटर अभी बंद करा हुआ है। हम अपनी सारी लगभग 700 वर्चुअल मशीन्स को हम लोग स्कैन कर रहे हैं। स्कैनिंग करने के बाद जैसे जैसे वो हमें सब ओके मिल रही है, तब हम उसको आज दिन के एंड तक सबको हम लाइव करते हैं। और वहीं उत्तराखंड के औली में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 शुरू हो गया है। अभ्यास 13 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन और आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। एक्सरसाइज का शुभारंभ भारतीय सेना के कर्नल योगेश उपाध्याय और कजाकिस्तान के कर्नल करीबियेव नोडाल की उपस्थिति में हुआ। अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में बारी बारी से हर साल आयोजित किया जाता है, जिसका पिछला संस्करण कजाकिस्तान में 2023 में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से थाना चांदपुर में कुट्टू का आटा खाने से 200 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। बीमार लोगों को पेट दर्द, उल्टी, बेचैनी और शरीर में कपकपी जैसी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिनको इलाज के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। बिजनौर के प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी का बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए। रात के पहले दिन यहाँ पे चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। जो जो मरीज यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों की मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से हम लोग की यह प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्रिटिकल ना हो। BJP के सांसद अर्जुन सिंह के पश्चिम बंगाल स्थित घर पर बम फेंके जाने की खबर सामने आई है और इसके अलावा कई राउंड फायरिंग भी की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यहाँ पर अर्जुन सिंह के घर पर जहाँ मजदूर भवन के बाहर बम फेंके गए। अर्जुन सिंह का दावा यह है कि इस दौरान फायरिंग भी हुई है और उनके पैर में भी एक छर्रा लगा है। उन्होंने दावा यह किया कि एक CISF जवान के पैर में भी चोट आई है। अर्जुन सिंह के मुताबिक धमाके की आवाज सुनकर वो अपने घर से बाहर निकले और इसी दौरान अचानक एक छर्रा उनके पैर में लग गया। हमने देखा है वीडियो में कि पुलिस वाले को भी मार रहा है सब लोग, लेकिन 20 पुलिस वालों के सामने घटना घटती है तो इसमें समथिंग रॉन्ग। तो हमारे घर पर अटैक होता है, बम चलता है, गोली चलता है, उतरने के बाद मुझे भी पैर में स्प्लिंटर लगा है बम का, तो ये क्लियर है कि इट्स प्लानिंग, ये प्लान करके किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते, राज्य सरकारों की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, इसके बावजूद आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी की खबरें सामने आती ही रहती हैं। एक मामला सामने आया पुणे जिले से, जहां पर एक 21 साल की लड़की से 3 लोगों ने गैंगरेप किया। इस दौरान जब लड़की के दोस्त ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बोपदेव घाट में एक लड़की पे अति प्रसंग का
जो है सो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है। इसमें जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से लड़की अपने फ्रेंड के साथ बोपदेव घाट में गई थी। ये लोग लगभग रात को 11 बजे वहां पे गए थे और 11 बजे के बाद जो है सो रात को 12 बजे के आसपास तीन अननोन पर्सन ने जो है सो इनको वहां पे पकड़ा है और लड़की के साथ अतिप्रसंग किया है। इस घटना की जानकारी जो है सो पुलिस को 5 बजे के आसपास मिली है और जैसे ही घटना की जानकारी मिली है तो इमीडिएटली इस केस को डिटेक्ट करने के लिए 10 जो है सो क्राइम ब्रांच और डीबी की टीम लगाई गई है। उनके साथ जो हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है जो फॉरेंसिक की है, डॉग स्क्वाड है और इस तरह की जो टीम्स हैं वो सब भी इस काम के लिए लगाई गई है। इसी बीच बिहार के गया से बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए के एक डीएसपी अजय प्रताप को सीबीआई ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। डीएसपी अजय प्रताप सिंह और उनके दो एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने कार्रवाई एक ठेकेदार की शिकायत पर की है। ठेकेदार ने डीएसपी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। 19 सितंबर को एनआईए ने ठेकेदार के घर और ऑफिस पर छापेमारी की और इस दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और 10 अवैध हथियार बरामद हुए। मामले में सीनियर डीएसपी अजय प्रताप सिंह इस पूरे मामले की जांच अधिकारी भी थे। खबर लखनऊ के मलिहाबाद से है जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, इसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस का कहना है कि गौकशी की सूचना पर कार्रवाई की गई, एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी सभी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। रात थाना मलिहाबाद को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश यहां पर बड़ी गड़ी गांव है वहां पर चौकसी का कुछ कार्य करने वाले हैं। एक गगनार कार आती दिखाई पड़ी, जब पुलिस टीम ने उसको रोका तो उस बदमाशों ने उसमें से फायरिंग की और गाड़ी लेके भागे, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी दूर आगे जाके फिर रुकी और वो भाग नहीं पाए और पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा फायर किया जिससे भागते हुए बदमाश से एक को गोली लगी।